Can you control pimples, acne, oily skin in 3 weeks just by eating sensibly? Definitely yes. आज हम जानेंगे किस तरह से हम सेंसिबल ईटिंग से अपने ऑयली स्किन, एक्ने, ओपन पोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और पिंपल से फ्री हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब फॉलो कर रहे हैं एंड दे गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। मैं चाहूँगा ये शेयर करना आप लोगों के साथ एक यही डाइट प्लान जो आपके एक्ने को विद इन 3 वीक्स कंट्रोल कर सकता है। क्या होती है हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट स्पेशली मेंट फॉर एक्ने, आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बताया था इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए कैसे अपने एक्ने को कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, धन्यवाद उसके लिए। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए कि माई लाइफ स्टाइल इज़ वेरी हैक्टिक, वी कैनॉट फॉलो स्ट्रिक्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग, या फिर मेरी हेल्थ ऐसी नहीं है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो कर पाऊँ, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है बिकॉज हम एक मॉडिफाइड इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लान लेके आए हैं। आपको दिन में 3 बार, जैसे आप खाना खाते हैं दिन में 3 बार हमें खाना खाना है, आपको 15-15 मिनट के 3 स्लॉट्स बुक करने हैं अपने लिए, जैसे कि 8 to 8:15 इन द मॉर्निंग, 3 to 3:15 इन आफ्टरनून, 8 to 8:15 इन द इवनिंग अगेन। इन 3 स्लॉट्स में ही आपको खाना खाना है। टाइम आगे पीछे अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, बट आप 15-15 मिनट के 3 स्लॉट्स में ही जो कुछ खाना है वो खाएंगे। और जब इन स्लॉट्स में आप खाना खाएंगे उसमें स्पेशली ध्यान रखेंगे कि 75% से 80% प्रोटीन होना चाहिए उस मील में, और 10-15% कार्बोहाइड्रेट्स और 10% फैट्स। तो ये डाइट अगर हम लेते हैं और बीच में कोई भी स्नैकिंग नहीं करते हैं, इन स्लॉट्स के बीच में हम कोई स्नैकिंग नहीं करेंगे, सिर्फ वाटर लेंगे, ग्रीन टी लेंगे, और जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है या फिर आउट ऑफ कंट्रोल है तो हम ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं डेफिनेटली, या कुछ सेंसिबल स्नैकिंग कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा। मैं हूँ डॉक्टर नितिन वर्मा, मैं एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और एक लेजर सर्जन हूँ, और आज हम बात कर रहे हैं सेंसिबल ईटिंग फॉर एक्ने, कंट्रोलिंग एक्ने विद सेंसिबल ईटिंग। प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। क्यों ना हम किक स्टार्ट करें अपना डे विद हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट। जब भी हम ब्रेकफास्ट करें हमें ध्यान रखना है कि उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छे से हो, साथ में कार्ब्स हों जैसे कि वेजिटेबल्स में होते हैं। हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट के लिए कुछ एग्जाम्पल जैसे कि एग्स, योगर्ट, कॉटेज चीज, चीज स्पेशली घर में बना हुआ हो तो बहुत अच्छा है, सोयाबीन, पी प्रोटीन्स या पीनट्स, और चिक पीज, अंकुरित दालें, अंकुरित चने, और मिल्क, प्रोटीन की स्मूदीज, ड्राई फ्रूट्स, और साथ में अगर आलमंड मिल्क हो या फिर कुछ वेजिटेबल्स हो, आपको मिलेगा एक प्रोटीन डेंस और विटामिन डेंस ब्रेकफास्ट। लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट लेने से आपका जो इंसुलिन लेवल है वो बहुत हाई नहीं होगा, जिसकी वजह से एंड्रोजेंस कम रहेंगे और आपका ऑयल सिक्रीशन, सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी सब कम रहेगी और आपके एक्ने भी कम रहेंगे। तो इस कंसेप्ट के साथ हमें आगे चलना है अपने अगली मील की तरफ। और मील्स के लिए प्रोटीन कौन सी चीज़ों में हो सकता है, जैसे कि चिकन में होता है, फिश में होता है, टोफू और बीन्स, लेंटिल्स, सोया प्रोडक्ट्स, चिक पीज, ब्लैक बीन्स, इन सभी चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा बहुत है। इवन पनीर में भी काफ़ी प्रोटीन होता है, तो आप वो कंज्यूम कीजिए अपनी मील में। एक एग्जांपल देते हैं मील का आपको, अगर आप डिनर करने बैठे हैं तो पहले आपको फ्रूट चाट लेना है जिसमें थोड़े से 3 तरह के फल हों, जिससे कि डिफरेंट न्यूट्रिशन, डिफरेंट एंटी ऑक्सीडेंट्स और विटामिन आपको मिलें। फिर उसके बाद आप 2 भीगे हुए आलमंड्स और 1 वॉलनट वो खाइए, और उसके बाद 1 चपाती लीजिए, 1 रोटी लीजिए, उसके साथ 2 कटोरी दाल और 1 हरी सब्जी। अगर पनीर बनाया उस दिन तो 2 कटोरी पनीर और 1 हरी सब्जी। अगर चने और राजमा कुछ हैं तो इसी तरह से उसको भी बैलेंस करें, और साथ में ले सकते हैं कंसंट्रेटेड कर्ड जिसे घी योगर्ट बोला जाता है। आप दही को लीजिए और इसको छन्नी पे रख दीजिए 1/2 घंटे, उसका पानी निकल जाएगा, जो गाढ़ी दही होती है दैट इज़ रिच इन प्रोटीन, आप उसे इस्तेमाल कीजिए। ये एक बैलेंस्ड मील है जिसमें आपको रोटी कम खानी है, चावल कम खाने हैं, आलू कम खाने हैं, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कम खाना है। हर मील में ग्रीन लीफी वेजिटेबल होना ज़रूरी है बिकॉज ग्रीन लीफी वेजिटेबल में एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स से रिच होते हैं।
वही आपको हेल्प करेंगे आपकी इन्फ्लेमेशन कम करने में, आपके एक्ने कंट्रोल करने में और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। तो प्रोटीन्स के साथ वेजिटेबल्स आर नेसेसरी। अब आप बात करते हैं सेंसिबल स्नैकिंग की या फिर नो स्नैकिंग की। सबसे अच्छा तो रहता है कि आप स्नैक्स बिल्कुल ना लें, जंक फूड तो बिल्कुल ही ना लें, और जो भी शुगरी चीज़ें हैं उनको अवॉइड कीजिए। जो लोग स्नैक्स बीच में लेना चाहते हैं, आलमंड यूज़ कर सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, मिक्स सीड्स जैसे पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, और कुछ वैरायटी हैं जैसे कि आप योगर्ट ले सकते हैं, दही ले सकते हैं ब्लूबेरीज के साथ या फिर कुछ सीड्स के नट्स के साथ। स्नैक के टाइम स्पेशल ध्यान रखें कि कभी जूसेस ना लें, या रियल फ्रूट जूस, ट्रॉपिकाना या फिर कोई भी इस तरह का जूस ना लें, बिकॉज दे आर शुगर वाटर, और आपका शुगर बढ़ते ही आपके एंड्रोजन्स फिर बढ़ेंगे और फिर ऑयली स्किन और पिंपल्स से आप भर जाएंगे। और बी वेरी कंसिस्टेंट इन द रूटीन, दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप 2-3 दिन अच्छे से खाते हैं फिर उसके बाद वही सब कुछ खा लेते हैं, तो इट्स यूजलेस। अगर आपको करना है तो बिल्कुल सेंसिबली आप 3 हफ्ते स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। आई अश्योर यू बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको अपने एक्ने, ऑयली स्किन और पिंपल्स। मेरे बहुत सारे पेशेंट इस बात को फॉलो करते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जस्ट फॉर 3 वीक्स गिव अ ट्राई एंड यू विल डेफिनेटली गोना गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।